क्लास स्टार्ट हो गई है ना। गुड। चलिए देखते हैं कितने लोग जुड़ गए हैं हमसे। उसके बाद भारतीय हरवार, जय हिंद जय हिंद। ठीक है, जल्दी से जुड़िए रानी राजपूत जी। हाँ, मोनिका यादव, जय माता की। ठीक है, चलिए जल्दी से मोनिका यादव, जय माता की, जल्दी जल्दी से जुड़ते चलिए भाई। सभी लोग जुड़ेंगे, ठीक है। सभी लोग जुड़ते हुए चलेंगे, और हो सके तो जल्दी से लिंक शेयर करिएगा। ठीक है, सारे लोग जल्दी से लिंक शेयर करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने कल डिस्कस कर ली थी। ठीक है, सारी चीज़ें हमने कल डिस्कस कर ली थी। चलिए ऋचा जी, वेली वेलकम। सभी लोग, डॉली रघुवंशी, वेरी गुड इवनिंग। सभी लोग आते जाएं जल्दी जल्दी, और हमने ये सारी चीज़ें कल डिस्कस कर ली थी। ठीक है, महाभाष्य यहाँ तक हमने कल डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करेंगे विदेशियों के विवरण के बारे में। ठीक है, चलिए एक बार मुझे बता दीजिए कि मेरी वॉइस वगैरह सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं आप लोगों के पास। वॉइस वगैरह क्लियर हैं जरा बता दें सभी लोग, वॉइस वगैरह क्लियर हैं। हाँ, शिव शर्मा जी, वेरी वेलकम। हाँ, जल्दी से एक बार बता दीजिए कि वॉइस वगैरह क्लियर हो रही है ना सबको। हाँ जी, हाँ शिवराज रघुवंशी, वेलकम भाई। चलिए एक बार बता दीजिए, अगर वॉइस क्लियर है तो मुझे बता दीजिए। ठीक है, सारी चीज़ें क्योंकि हम लोग, हाँ सर ठीक है। हाँ नमस्ते, नमस्ते पूजा जी, राधिका जटनी। ठीक है राधिका जी, वेलकम। चलें आज अपन लोग स्टार्ट करेंगे। कल हमने यहाँ तक कहानी को छोड़ दिया था, उस कहानी को आज हम आगे डिस्कस करते हैं। तो कल हमने साहित्य के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम देखते हैं स्त्रोत को लेकर। तो स्त्रोत में कल हमने ऐतिहासिक स्त्रोतों के बारे में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, कल हमने ऐतिहासिक स्त्रोतों के बारे में डिस्कस किया था। आज ये जो डे नंबर सेकंड है, आज हमारा डे नंबर सेकंड है ल्यूसेंट की एंशेंट हिस्ट्री को लेकर। डे नंबर जो है ये हमारा कौन सा डे है, सेकेंड डे है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि भारतीय इतिहास की जो जानकारी मिलती है उनमें विदेशी यात्रियों का विवरण। साथियों, वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पर अगर आज आपने पहला विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए विदेशियों का विवरण। तो विदेशी लोगों में क्या था कि कई लोग हमारे यूनान से भी इंडिया में आए थे। रोमन लेखक, जिनको जो यूनान से आए उन्हें रोमन लेखक कहा गया। चीनी लेखक भी आए, इसके बाद अरबी लेखक आए, और अन्य लेखक भारत आते रहे। ठीक है, तो जैसे ये यूनानी लेखक हैं, ये चीनी लेखक में ये हैंसांग है, फाइयान है, इत्सिंग है, ये सब आते हैं। जैसे हमारा अरब से आया था अरब अल बरूनी, और ये अदर देशों से आए थे जैसे मार्को पोलो, ये अलग अलग राइटर आए थे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा शेयर कर दो ताकि लोगों तक ये बातें पहुंच जाएं इस वीडियो की। चलिए अब इसमें हम सबसे पहले अरबी यूनानी लेखकों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अरबी लेखक, यूनानी लेखकों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए अरबी लेखक या फिर यूनानी लेखक कौन कौन थे। तो इसमें जो लेखक आए थे भारत, हाँ दीक्षा राजपूत जी, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, यूनान से जो लेखक बाहर इंडिया आए थे, यूनान से जो इंडिया लेखक आए थे वो कौन कौन थे। तो उनमें एक था टेसियस, एक था हेरोडोटस, एक था मेगास्तनीस, और एक था डाईमेकस। इनको याद करने के लिए एक मैं आपको तरीका बताता हूँ, आप याद रखेंगे MDH। MDH के मसाले आते हैं, तो आप याद रखेंगे MDH का
तड़का, एमडीएच का तड़का, अंग अंग भड़का, ये पंचिंग लाइन सबने सुनी होगी। ठीक है, तो एम से हो जाएगा मेगास्थनीस, डी से हो जाएगा आपका डाइमेकस, एच से हो जाएगा हेरोडोटस और टी से हो जाएगा टेसियस। क्या याद रखेंगे आप लोग? आप लोग याद रखेंगे एम डी एच का तड़का, अंग अंग फड़का, एम डी एच का तड़का, ये आपने सुना होगा। ठीक है, आप लोगों ने ये सुना होगा। तो एम डी एच में एम हो गया मेगास्थनीस, डी हो गया डायमेकस, एच हो गया हेरोडोटस और टी हो गया टेसियस। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे टेसियस के बारे में। ठीक है, जो यूनानी, याद रखना ये सारे के सारे कौन से लेखक हैं साथियों? ये सारे के सारे यूनानी लेखक हैं। ठीक है, ये सारे के सारे कौन हैं? ये सारे के सारे जो हैं वो यूनानी लेखक हैं। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले कि ईरान का राजवैद्य था टेसियस। टेसियस कौन था? यूनान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इन्होंने बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित कहानियों से अपनी स्टोरियां लिखी हैं। मतलब इन्होंने इनकी बुक में, कौन? टेसियस। टेसियस जो थे, अनुज जाटव जी वेलकम, बीरपाल जी गुड इवनिंग, दीक्षा राजपूत गुड इवनिंग, शिवराज जी गुड इवनिंग, राधेश्याम, मोनिका यादव, जय माता दी, अच्छा डिशो चैनल गुड इवनिंग, गुड इवनिंग पल्लवी जी गुड इवनिंग। ठीक है, अब आते हैं देखें। तो जो टेसियस अंकल थे, टेसियस अंकल ने जो किताबें लिखी हैं इतिहास की जानकारी के लिए, उनमें बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति लगा दी है। अतिशयोक्ति का मतलब होता है चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बता देना। तो टेसियस अंकल ने उन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया है, अविश्वसनीय तरीके से लिखा है। इसीलिए टेसियस की जो बुक है उसको ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता भारतीय इतिहास की जानकारी के लिए। ठीक है, जो सेकेंड पॉइंट पर आएंगे हेरोडोटस, तो हेरोडोटस जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ठीक है, एक बार जल्दी से लाइक करते हैं सभी लोग। ठीक है, हेरोडोटस की बात करें तो हेरोडोटस जो है इन्हें इतिहास का पिता कहते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री जो है वो हेरोडोटस को कहा जाता है, ये इनका पिक दिखाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हेरोडोटस ने जो किताब लिखी है उसका नाम है हिस्टोरिका। कौन सी बुक लिखी है साथियों? हेरोडोटस ने जो बुक लिखी है उसका नाम है हिस्टोरिका। तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है, इतिहास का पिता हेरोडोटस है और हेरोडोटस ने कौन सी बुक लिखी है? हिस्टोरिका नाम किताब इन्होंने लिखी हुई है। अब आ जाओ, अब आते हैं हम मेगास्थनीस के बारे में। तो मेगास्थनीस जो है, मेगास्थनीस के बारे में याद रखेंगे कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। ठीक है, राधेश्याम जी थैंक यू, शिवराज जी ठीक है। तो मेगास्थनीस कौन था? मेगास्थनीस था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। अब मेरे भाई सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर जो था, जो अलेक्जेंडर था यानी जो सिकंदर महान था, जिसने भारत पर, सिकंदर ने भारत पर अटैक किया था। भारत पर सिकंदर ने कब अटैक किया था? तो सिकंदर ने भारत पर अटैक किया था 326 325 BC में, यानी ईसा मसीह के जन्म से 326 से लेकर 325 साल पहले सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो उसके साथ दो सेनापति भारत आए थे। कितने सेनापति भारत आए थे सिकंदर के साथ? तो सिकंदर के साथ दो सेनापति भारत आए थे, एक था सेल्यूकस निकेटर, एक था सेल्यूकस निकेटर। कौन था? सेल्यूकस निकेटर। और दूसरा हो जाएगा निर्याकस। दूसरा कौन हो जाएगा? निर्याकस। तो जरा मुझे कमेंट करके, जो बच्चा है जिन्होंने पढ़ा है, जरा मुझे बताएं कि ये बता दो कि ये इनमें से एक थल सेना का सेनापति था और एक जल सेना का सेनापति था। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि सिकंदर का जल सेना का सेनापति कौन था और थल सेना का सेनापति कौन था। आगे जब सिकंदर की मृत्यु हो जाएगी, सिकंदर की जगह पर सेल्यूकस निकेटर सिकंदर के सपने को पूरा करने के लिए, विश्व विजेता बनने के लिए भारत पर अटैक करेगा। यहाँ पर CGM यानी चंद्रगुप्त मौर्य का भारत पर राज रहेगा। चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को हरा देगा, सेल्यूकस निकेटर को हरा देगा। हाँ दीपिका जी, कश्यप जी वेरी गुड इवनिंग बेटा, हरा देगा। उसके बाद सेल्यूकस निकेटर की एक बेटी रहेगी जिसका नाम क्या रहेगा? हेलेना। जिसका नाम क्या रहेगा? हेलेना। तो सेल्यूकस निकेटर अपनी बेटी हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करेगा, जब चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को हरा देगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो
जो मेगास्तनीज भेजा किसने था, मेगास्तनीज को भेजा किसने था, तो मेगास्तनीज को निर्याकस जल सेनापति। ओके, तो याद रखेंगे कि जो मेगास्तनीज था जिसे भेजा किसने था, सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। और कहाँ आया था ये इंडिया में उस समय पर चंद्रगुप्त मौर्य का दरबार चल रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य भारत का राजा था, इस भारतीय क्षेत्र का राजा था चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्तनीज, और जिसको भेजा किसने था, इसको भेजा था चंद्रगुप्त, इसको भेजा था अलेक्जेंडर के सेनापति यानी सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने। क्लियर है? अच्छा, मेगास्तनीज की एक किताब है, एक बुक लिखी है मेगास्तनीज ने, उसका नाम है इंडिका। ठीक है, इंडिका, तो इसको याद रखने। अच्छा, जब ये मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया है भाई, मेगास्तनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया है, तो चंद्रगुप्त मौर्य से मौर्य वंश की जानकारी मिलेगी इनकी किताब से। क्यों? गुप्त वंश की जानकारी दे नहीं देंगे, आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी दे नहीं देगा कोई भी विदेशी। जिस भारतीय, जब मतलब भारत पे जो भी डायनेस्टी चल रही थी उसके टाइम पीरियड में अगर इंडिया पर विजिट की होगी, तो उसने उसी टाइम पीरियड को अपनी बुक में लिखा होगा। तो इसी कारण से जब सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्तनीज को इंडिया भेजा था, या मतलब इस क्षेत्र में भेजा था, तो यहाँ पर राज कौन कर रहा था? चंद्रगुप्त मौर्य राज कर रहा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के थे, इसीलिए मेगास्तनीज की जो बुक है इंडिका, उसमें गुप्त वंश की, मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। सॉरी, गुप्त की नहीं, मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। यहाँ पर एक ट्रिक याद रख लें आप, इसकी एक ट्रिक याद रख लें, और वो ट्रिक क्या है कि मेघा जो है, मेघा नाम की कोई लड़की है, वो अपने बीएफ से मिलने के लिए, यानी मेघा अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए, और उनके बॉयफ्रेंड का नाम क्या है, बॉयफ्रेंड का नाम है चंदू। क्या नाम है उसकी बॉयफ्रेंड का? नाम है चंदू। उससे मिलने के लिए मेघा अपने बॉयफ्रेंड चंदू से मिलने के लिए कौन सी कार में बैठ के आई है? उस कार का नाम है इंडिका। तो इससे अपन को एक ट्रिक मिलती है कि मेघा चंदू से मिलने इंडिका में आई, मेघा चंदू से मिलने इंडिका में आई, यानी इंडिका किताब का नाम हो गया, मेगास्तनीज राइटर का नाम हो गया, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आई। ठीक है, अगर पसंद आ रहा हो तो एक बार सभी लोग जय हिंद लिख दें, पसंद आ रहा है तो सभी लोग जय हिंद लिख दें, है ना। और वीडियो को प्लीज लाइक कर दिया करें, जितने लोग जुड़े हैं कम से कम उतने लाइक तो दे दीजिए। अच्छा, अगला देखते हैं, अब बात करते हैं अगला राइटर कौन है। अगला राइटर है यूनान से जो आया था, उसका नाम है डायमिकस। ये इसका फोटो दिया गया है, डायमिकस, तो सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था। ठीक है, इसका राजदूत था, हिंदी में इसे एंटियोकस लिखा जाता है, लेकिन इंग्लिश में इसे एंटियोकस बोला जाता है। ठीक है, एंटियोकस बोला जाता है। ठीक है, जय हिंद, जय भीम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम मेरे भाइयों। तो डायमिकस सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था, और ये जब भारत आया था उस समय भारत पर राज किसका चल रहा था? बिंदुसार का राज चल रहा था। तो डायमेकस जब भारत आया था, भारत में राज चल रहा था बिंदुसार का, और डायमेकस को भारत बिंदुसार के दरबार में किसने भेजा था? तो एंटियोकस ने भेजा था। ठीक है, आ जाओ डायनोसियस, अगला फैक्ट है, अगला राइटर है हमारा डायनोसियस। तो डायनोसियस क्या था? मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फिस ने, फिलाडेल्फिस या फिलाडेल्फस, ठीक है, क्या डायनोसियस को भारत किसने भेजा था? तो क्या बोलते हैं, मिश्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस ने डायनोसियस को सम्राट अशोक के राज दरबार में भेजा था। सम्राट अशोक, ठीक है, इन्हीं के दरबार में भेजा था, अशोक के कोर्ट में भेजा था। साथियों, वीडियो बाइलिंगुअल है, दोनों लैंग्वेज में लिखा गया है। जिन बच्चों को हिंदी लैंग्वेज से पढ़ना है उनके लिए हिंदी में भी स्लाइड्स हैं, जो बच्चा इंग्लिश में पढ़ना चाहता है उसके लिए इंग्लिश में स्लाइड्स हैं। जब इतनी मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है, आपको इतने अच्छे से मटेरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो लाइक शेयर कमेंट करना आपकी ड्यूटी बनती है। ठीक है, इसमें कंजूसी मत दिखाइए। आ जाए टॉलमी, जो टॉलमी दूसरी शताब्दी में आया था, और इन्होंने बहुत एक इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी, इनकी बुक का नाम है भारत का भूगोल। क्या नाम था? भारत का भूगोल। दोनों नाम याद रखेंगे, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और भारत का भूगोल, ये दो किताबें लिखी हैं। कौन कौन सी बुक लिखी हैं? टॉलमी ने जो बुक लिखी है, दो नहीं है, बुक एक ही है, उसका हिंदी और इंग्लिश में नाम अलग है, भारत का भूगोल टॉलमी ने लिखी है, रट लेना, याद कर लेना, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। आगे चलेंगे, अब आते हैं प्लिनी। तो प्लिनी नामक जो राइटर है यूनानी, उन्होंने कौन सी बुक लिखी है? उन्होंने लिखी है नेचुरल हिस्ट्री।
ठीक है। प्राकृतिक इतिहास प्लिनी, वनस्पति और जीवों की जानकारी मिलती है, तो कहीं ना कहीं ये बॉटनी और जूलॉजी से रिलेशन रखने वाली बुक है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि चीज़ें बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद ये बहुत एक बुक है, बहुत ही एडवांस लेवल की बुक मान सकते हैं, कि इस बुक का नाम है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के राइटर कौन है? अज्ञात। यानी इसके राइटर इतने टैलेंटेड रहे होंगे, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के राइटर की, इन्होंने पूरी बुक लिख दी और अपना ही नाम लिखना भूल गए, या जाने जानबूझ के नहीं लिखा। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि अपने को नहीं बताना चाहते, सुपीरियर एकदम से, है ना, समझ रहे होगे आप लोग, छिपके रहना चाहते हैं। तो चूंकि इसके नाम में ही समझ में आ रहा है, देखो एरिथ्रियन सी समुद्रों से जुड़ा हुआ, एरिथ्रियन सी के बारे में जानकारी मिलती है और समुद्र के किनारे पर क्या मिलेंगे हमें? बंदरगाह। तो याद रखना, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में 80 AD यानी 80 ईस्वी के भारतीय बंदरगाहों की जानकारी मिलती है। इसके बाद और आगे चलो तो सिकंदर के साथ कुछ और लेखक भारत आए थे, साक्षी रघुवंशी। थैंक यू साक्षी जी। मधु रघुवंशी, वेरी गुड इवनिंग। अच्छा, नियाकस, आने आनेसिक्रेटस और ऑस्टियोबुलस, तो ये तीन नाम भी अपन को याद करना है, सिकंदर के साथ जो भारत आए थे, और उनमें से पहला था नियाकस, दूसरा था आनेसिक्रेटस और तीसरा था ऑस्टियोबुलस। ये सिकंदर के साथ भारत आए थे, देख लेना MPPSC में 2016 या 18 के पेपर में, मुझे परफेक्ट याद नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। वेलकम सौम्या जी, वेलकम। अब बात करते हैं कि चीनी लेखकों के बारे में। तो देखो, चीनी लेखक कौन कौन भारत आए थे, उनमें से कुछ तीन हैं जो हमें याद करना है। एक है फाइयान, दूसरा है हैंसांग और तीसरा है संयुगन। तो देखो, फाइयान के बारे में याद करेंगे तो फाइयान से संबंधित राजा, जब फाइयान इंडिया में आए थे तब देखना, ये चंद्रगुप्त द्वितीय हैं। मोनिका यादव, थैंक यू। डॉली रघुवंशी जी, थैंक यू। हाँ, तो याद रखेंगे कि जब फाइयान इंडिया में आए थे, उस समय पर क्या हुआ? जब फाइयान इंडिया में आए थे उस समय पर इंडिया में राज चल रहा था गुप्त वंश का। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, यहां पर ये मौर्य वंश वाले चंद्रगुप्त नहीं है, कंफ्यूजन मत कर लेना, ठीक है। ये गुप्त राजा हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। ये कौन है? ये गुप्त राजा हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्होंने एक बुक लिखी थी, फगौजी नामक जो बुक है ये लिखी थी किसने? इसने, फाइयान ने। और ये अभिलेख, ठीक है, जो बौद्ध राज्यों का अभिलेख। जानकारी देखो तो चूंकि ये गुप्त काल में आए थे, है ना, फाइयान जी जो थे वो गुप्त काल में आए थे, इसीलिए फाइयान की जो किताब है फोगोजी, उससे किसकी जानकारी मिलेगी? गुप्त काल की जानकारी मिलेगी। याद रखना, ये जो राइटर है एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एमपी के किसी भी एग्जाम, वैसे तो सारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन ये जो लाइन लिखी है, ये लाइन मध्य प्रदेश की किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। आपकी पार वर्दी पार, बिल्कुल सही है मेरे भाई। मध्य प्रदेश की जो समाज है, मैं आप लोगों के कमेंट भी पढ़ता हुआ चल रहा हूं साथ साथ में, और आपको, है ना, तो बढ़िया से आप लोग कमेंट करते जाइए, बड़े प्यारे प्यारे से, ठीक है। तो जानकारी, गुप्त काल की जानकारी मिलेगी, विशेषकर मध्य प्रदेश की समाज और संस्कृति के बारे में जानकारी फाइयान ने लिखी थी, यानी ये मध्य प्रदेश के मालवा वाले क्षेत्र में आए थे। और फाइयान अंकल ने क्या किया था? फाइयान अंकल ने, इनकी बुक जो फगौजी थी उसमें लिखा है कि मध्य प्रदेश की जो जनता है ना, वो सबसे ज्यादा सुखी और सबसे ज्यादा समृद्ध बताया है मध्य प्रदेश की जनता को। कहा है कि पूरी विश्व में, ये हमारा भारतवर्ष का मालवा वाला क्षेत्र, यानी मध्य प्रदेश जो वर्तमान मध्य प्रदेश है, मालवा वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र की जनता पूरी विश्व में सबसे ज्यादा सुखी और पूरी विश्व में सबसे ज्यादा समृद्ध है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आया होगा। अब बात करते हैं संयुगन की। तो संयुगन की बात करेंगे तो 518 ईस्वी में भारत आया था। इन्होंने ये केवल 3 वर्षों तक यात्रा की और इनने ज्यादा कुछ काम नहीं किया, सिर्फ बौद्ध धर्म की प्रतियां प्राप्त इकट्ठी की। कोरोना भी भाग जाए इस बार, बिल्कुल सही है मोनिका जी, कोरोना ने तो सबकी हालत खराब कर रखी है, ठीक है। समझदारी का, सभी बच्चे परिचय देंगे, कोई अननेसेसरी बाहर नहीं जाएगा, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, एक पॉकेट सैनिटाइजर ले लें, सभी लोग पॉकेट में रख के चलें, यूज करें, मास्क पहने और 2 गज की दूरी बना के रखें, ठीक है।
और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो तभी आप घर से बाहर निकलें, ठीक है? नहीं तो क्या मतलब है, आपको पृथ्वी लोक से बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है? चलिए आ जाइए। हैनसांग की बात करें तो हैनसांग की बात करें तो हैनसांग 629 AD से लेकर, यानी 629 ईस्वी से लेकर 645 ईस्वी तक भारत रहे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम है ये, क्योंकि ये वो टाइम पीरियड है जब भारत में हर्षवर्धन का राज चल रहा था। तो याद रखेंगे, हैनसांग जब भारत आए थे वो समय हांसे हैनसांग और हांसे हर्षवर्धन, बी फॉलो ऑल इंस्ट्रक्शन। ओके ओके ओके, दीपिका जी बिल्कुल सही, हर्षवर्धन। तो याद रखेंगे कि जब हैनसांग भारत आया था उस समय भारत पर राज किसका चल रहा था, तो हर्षवर्धन के दरबार में आया था, ठीक है? हैनसांग जब भारत आए तो किसके दरबार में पहुंचे, तो हैनसांग भारत आए जब हर्षवर्धन के दरबार में पहुंचे। हैनसांग ने कौन सी बुक लिखी, तो सी यू की, कौन सी किताब लिखी है, सी यू की। अब सी यू की में क्या क्या जानकारी मिलती है, तो ये चूंकि हर्षवर्धन के काल में आए थे, हर्षवर्धन के काल में ये लोग आए हैं, तो हर्षवर्धन के काल में जब हैनसांग आया है तो हर्षवर्धन कालीन व्यवस्था का वर्णन इनकी बुक में मिला होगा। और मेरे भाई देखिए कितने टैलेंटेड लोग थे, घूमते घामते 138 देशों का इन्होंने विवरण अपनी किताब में लिख दिया। विशेषता क्या थी इनकी, तो याद रखेंगे कि बिहार में स्थित जो नालंदा विश्वविद्यालय है, बिहार में जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसमें ये पढ़ने के लिए आए थे, और वहीं इसका प्लेसमेंट हो गया था, वहीं ये लेक्चरार बन गए थे, पढ़ाने लग गए थे। लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक फैक्ट है कि जब जब हैनसांग आए थे ना नालंदा विश्वविद्यालय में, उस टाइम पर नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे वो शीलभद्र थे, याद रखना वो कौन थे, आचार्य शीलभद्र थे, ठीक है? समझ में आता जा रहा होगा सबको। चलिए ये एक और अगले चीनी यात्री आते हैं, इनका नाम है इत सिंह। अगले चीनी यात्री जिनका नाम है इत सिंह, 7वीं सदी के अंत में भारत आया एक चीनी यात्री, और ये अनुवादक, ये ट्रांसलेटर था। ये इंडिया की जो भी बुक मिलती थी, जो भी मटेरियल मिलता था, उसे चीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते थे, ये एक ट्रांसलेटर थे। जानकारी के लिए बात करें तो उस समय पर जो भारत था उसके बारे में जानकारी मिली, और नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में इन्होंने जानकारी दी। वो थे इत सिंह, सबसे पहले फाइयान, सयुगन, हैनसांग और इत सिंह, ये चार चाइनीस राइटर हैं जिनके नाम आपको याद रखना पड़ेंगे, ठीक है, एग्जाम के लिए। तो फाइयान, इत सिंह और हैनसांग और सयुगन, क्लियर है? ठीक है, मजा आ रहा है ना सबको। चलिए आगे देखते हैं, अब अरबी लेखकों के बारे में बात करते हैं। तो अरबी लेखक कौन कौन है, तो अरबी लेखकों में प्रमुख लेखक है, अरबी लेखकों में एक है अलबरूनी और एक है इब्न बतूता। अरबी लेखकों में सबसे महत्वपूर्ण लेखक हैं ये दो हैं, एक है अलबरूनी और एक है इब्न बतूता। अलबरूनी के बारे में डिस्कस करते हैं, तो अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ, ध्यान रखेंगे, देखो महमूद गजनवी, हम पढ़ेंगे इतिहास, मेडाइवल हिस्ट्री वगैरह, तो उनमें इन सब के बारे में, हम इनके बारे में, गजनी के आक्रमण वगैरह के बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। तो महमूद गजनवी के बारे में बात करेंगे, तो भारत आने वाला अरबी लेखक था, महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इन्होंने एक किताब लिखी है, किताबुल हिंद, क्या लिखी है इन्होंने, किताबुल हिंद या तहकीक हिंद, और भारत एक, भारत की खोज नहीं, भारत एक खोज, क्योंकि भारत की खोज यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई किताब है, ठीक है? मोनिका जी ने सैनिटाइजर भेज दिया, थैंक यू मोनिका जी, मास्क और भेज दें जल्दी से। चलिए तो अलबरूनी लेखकों के बारे में हमने पढ़ा, तो अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, अरबी लेखक था, इनकी जो किताब थी उसका नाम था किताबुल हिंद, तहकीके हिंद, और भारत एक खोज, भारत की खोज नहीं है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है ये बुक, जो है वो है भारत एक खोज, ठीक है? हाँ आगे आ जाओ। लैंग्वेज, जब ये अरब कंट्री से आए थे तो इंग्लिश में और हिंदी में तो लिख नहीं देंगे। डिंचक दिल से गुड नाइट सर, क्यों भाई डिंचक दिल से इतनी जल्दी गुड नाइट, आ जाओ अब देखते हैं, जानकारी पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी जानकारी हमको मिली है अलबरूनी से। तो धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, या स्टार ये देख लेना थोड़ा सा, खगोल विज्ञान, समाज और तंत्र मंत्र के बारे में इन्होंने वर्णन किया है। राजपूत कालीन, जब इन्होंने भारत पर,
देखो ना, गजनवी के साथ आया, भारत में राजपूत और चौहानों का राज चल रहा था, तो इन्होंने राजपूत कालीन राज व्यवस्था और सामाजिक स्थिति के बारे में इन्होंने अपनी बुक में लिखा होगा। अब आते हैं एवन ए बतूता, सब लोगों ने गाना सुना होगा, एवन ए बतूता बगल में जूता पहने तो करता है चुर, ठीक है। तो एवन ए बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर आए थे, और इनका टाइम पीरियड था 1333 ईस्वी। तो 1333 ईस्वी में इवन बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे, और कहाँ से आए थे? मोरक्को से आए थे। कहाँ से आए थे? मोरक्को से आए थे, एक अफ्रीकन देश था मोरक्को, मोरक्को से आए थे, ठीक है। यात्रा वृतांत इनकी जो बुक है इसका नाम है रेहला, ठीक है। कई जगह से रेहला भी लिखा जाता है, तो आप लोग देख लेना। जो इवन बतूता अंकल थे, इवन बतूता अंकल ने जो महमूद गजनवी के सॉरी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर 1333 में इंडिया आए थे, इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है रेहला या रिहाला, ओके। तो उस समय पे जब ये 1333 में आए हैं तो 100% है, शताब्दी 14वीं चल रही है, तो 14वीं शताब्दी की भारतीय स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। और चूंकि मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में पहुंचे हैं, और मोहम्मद बिन तुगलक चूंकि दिल्ली में सल्तनत कालीन व्यवस्था चल रही थी, मोहम्मद बिन तुगलक एक सल्तनत कालीन सुल्तान मतलब दिल्ली के सुल्तान रहे हैं, तो दिल्ली की सल्तनत के बारे में वर्णन इनकी किताबों में हमें मिल जाएगा। विशेष देख लीजिए, 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इवन बतूता को काजी नियुक्त कर दिया। जैसे ही ये काजी दिल्ली पहुंचे, इवन बतूता जैसे ही दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक वंश के जो सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में पहुंचे, तो इन्हें दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। अब देखते हैं और कौन कौन से लेखक हैं जो हमको पढ़ना है। अन्य लेखकों में आते हैं, अन्य लेखकों की बात करते हैं, तो एक लेखक आए थे तारानाथ जो है वो तिब्बत से आए थे, एक तिब्बती लेखक हैं। और इनकी जो थैंक यू मोनिका जी, मास्क भी आ गया, इनकी किताब का नाम है कंग्यूर तंग्यूर, ठीक है। और देखो मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य राज की राजधानी में पहुंचे थे, पांड्य के इतिहास की इन्होंने जानकारी हमें दे दी है, ठीक है। चलिए एक बार सभी लोग लिख के बता दें कि विदेशियों के विवरण आपको सारे क्लियर हो गए हैं क्या? सभी लोग बता दें विदेशियों के विवरण क्लियर हो गए हैं क्या? ठीक है, हाँ जल्दी से बता दीजिए। चलिए जल्दी जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए भाई। और आगे चलें, सारी चीजें क्लियर हैं। अब देखेंगे पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। तो पुरातत्व संबंधित साक्ष्य के बारे में अपन बात करें तो पुरातत्व संबंधित साक्ष्य में आते हैं सबसे पहले अभिलेख, फिर आते हैं स्तंभ लेख, और फिर आते हैं सिक्के। तो अभिलेख यानी ये देखो पत्रों पत्रों वगैरह पे लिखे जाते थे, ये हो गए अभिलेख। स्तंभ लेख स्तंभ पे लिखे जाते थे, और सिक्के और अन्य चीज। हाँ जय हिंद, है ना, ब्रांडेड आर्मी बॉय, थैंक यू मेरे भाई। अच्छा एक और बात है, जो अभिलेख होते हैं ना, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको बिल्कुल रट लेना। क्या रट लेना? कि अभिलेखों का अध्ययन। मजा आ गया रानू यादव जी, थैंक यू मेरे भाई। ऋचा शर्मा जी थैंक यू। अब देखें, जो हम अभिलेखों का अध्ययन करते हैं तो अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी, याद कर लेना, पेपर में आते हैं क्वेश्चन। अब ये है महत्वपूर्ण अभिलेख जो भारतीय इतिहास की जानकारी देते हैं। तो ये रहा हाथी गुम्फा अभिलेख जो कलिंग राजा खारवेल ने लिखवाया था। सबसे पहले किसी अभिलेख में या भारतीय इतिहास में हमें भारत का जिक्र, भारतवर्ष शब्द का जिक्र किया गया है हाथी गुम्फा अभिलेख में, ठीक है। जहर एक नंबर पढ़ा रहे हो सर जी, ब्रांडेड आर्मी, थैंक यू मेरे भाई। आप देखेंगे जूनागढ़ अभिलेख, तो जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख ये रुद्रदामन का है, रुद्रदामन प्रथम। नासिक का अभिलेख गोमती बलश्री, प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त का है, जिसकी वीणा बजाती हुई सिक्का मिला है, जिस पर वीणा बजाती हुई इसकी आकृति मिलती है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है, और मंदसौर अभिलेख इंपॉर्टेंट हो जाता है जो बच्चा मध्य प्रदेश से एग्जाम दे रहा है। मालवा नरेश यशो बर्मन के बारे में हो, यहां से रेशम का काम करने वाले जो बुनकर जाति के लोग हैं उनके बारे में जानकारी हमें मिलती है। और आगे चलेंगे तो देखें ग्वालियर का अभिलेख, ग्वालियर का अभिलेख किसने लिखवाया है? प्रतिहार वंश के राजा राजा भोज ने, ठीक है।
इसके बाद भीतरी अभिलेख और जूनागढ़ अभिलेख जो स्कंद गुप्त ने लिखवाया है, भारत पर होने वाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत पर होने वाले हूणों की जानकारी, हूणों के आक्रमण की जानकारी मिलती है भीतरी अभिलेख और जूनागढ़ अभिलेख से। कौन कौन सी? भीतरी अभिलेख या जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है जानकारी। क्लियर है? भीतरी अभिलेख और जूनागढ़ अभिलेख किसने लिखवाया है? स्कंद गुप्त ने लिखवाया है, जिसने भारत पर हुए, यहां से भारत पर हुए हूण आक्रमणकारियों की आक्रमण की जानकारी मिलती है। देवपाड़ा अभिलेख, बंगाल के शासक विजय सेन, याद रखना जिन बच्चों को नोट्स बनाना है वो एसएस लेते हुए चलें, ठीक है। अच्छा देखिए, विदिशा, विदिशा में लगाया हुआ एक गढ़ोर स्तंभ, विदिशा में जो गढ़ोर स्तंभ लगाया है, विदिशा का पुराना नाम है बेसनगर, तो विदिशा में जो गढ़ोर स्तंभ लगाया गया है वो हेलियोडोरस, याद रखेंगे, हेलियोडोरस ने लगवाया था, हेलियोडोरस आए थे मध्य भारत में भागवत धर्म को विकसित करने का प्रमाण, और ये मतलब जो विदिशा का, विदिशा या बेसनगर का जो गढ़ोर स्तंभ है, इससे ये पता चलता है कि मध्य प्रदेश में भगवत धर्म का विकास चल रहा था और हुआ भी था। सोनी रजक, थैंक यू बेटा। और ये देखेंगे, और ये किसने लगवाया था गढ़ोर स्तंभ, ये लगवाया था हेलियोडोरस ने। एक और है एरन अभिलेख, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे अभिलेखों से भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एरन अभिलेख, एरन अभिलेख जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि एरन अभिलेख किस जिले में या किस राज्य से संबंध रखता है। तो एरन अभिलेख जिसे भानु गुप्त ने लिखवाया था, इसमें सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, ठीक है। बता दीजिए, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि एरन का अभिलेख कौन से जिले में या किस राज्य में पड़ता है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट बोगाजगोई अभिलेख, इसकी तिथि अभी कोई, मतलब ये किसने लिखवाया इसकी जानकारी अभी नहीं है, लेकिन ये ईसा मसीह के जन्म से 1400 साल पहले, ठीक है, ईसा मसीह के जन्म से, थैंक यू मोनिका जी, ईसा मसीह के 1400 साल पहले लिखा गया अभिलेख है बोगाजगोई अभिलेख, ठीक है। वैदिक देवता मित्र वरुण इंद्र नासत्य का उल्लेख यहां पर मिलता है इस अभिलेख में, ये देख लीजिए, ठीक है। हाँ, आ जाते हैं सिक्के और सिक्के और अन्य। तो मैं जब तक पानी पी लेता हूं, आप लोग जो अभी तक क्लास में चल गया उसका एक बार रिवीजन कर लीजिए, सारे बच्चे उसका एक बार रिवीजन कर लेंगे, और कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछिएगा, ठीक है। मैं जब तक पानी पी लेता हूं, जो भी डाउट है पूछिएगा प्लीज। बिल्कुल सही है मधु जी, बिल्कुल सही है, एरन अभिलेख सागर जिला मध्य प्रदेश, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। देखेंगे कि सिक्के और अन्य की बात करते हैं, तो प्राचीनतम सिक्कों को आहत कहा जाता था, याद रखना, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था? आहत कहा जाता था प्राचीनतम सिक्कों को, और उन्हीं को कर्षार्पण पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता था। तो ये आहत वर्ड जो है इंपॉर्टेंट है। क्या होता था कि धातु के टुकड़ों पर विशेष ठप्पा लगाकर एक सील लगा देते थे, उसको बोल देते थे सिक्के। कोई इनका प्रॉपर शेप नहीं होता था, कोई साइज नहीं होता था, कोई भी धातु उठाई उस पर सील लगा दी, वही सिक्के मान लिए जाते थे, कोई इनका पर्टिकुलर शेप और साइज नहीं होता था। सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखने का प्रचलन यवन राजाओं ने करवाया था, यानी ग्रीक के राजाओं ने सबसे पहले सिक्कों पर लेख, एक एक लाइन बता रहा हूं, ल्यूसेंट से उठी हुई लाइन है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखो, हिस्ट्री है तो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, आप जितना पढ़ो उतना कम है, लेकिन जब जो बच्चा नया जुड़ता है कॉम्पिटेटिव एरा से, तो उनका ये ड्यूटी बनता है कि वो सबसे पहले एटलीस्ट उतना तो पढ़ लो जितने उनकी एक, मतलब एक जो ल्यूसेंट होती है ना उसको तो कवर कर लो, क्योंकि जब ल्यूसेंट कवर हो जाएगी तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आप लोगों के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। आते हैं कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का प्रचलन किसने चलवाया था?
तो ग्रीक शासकों ने चलवाया था। ठीक है, समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई, देखो ऊपर था ना, हमने ऊपर कहीं पढ़ा था समुद्रगुप्त के बारे में। ठीक है, समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के उसके संगीत प्रेमी सॉरी संगीत प्रेमी होने के प्रमाण देते हैं। मान लीजिए कि कोई एक सिक्का मिला होगा, उस सिक्के पर ये ऐसा कोई फोटो बना होगा, ऐसा एक फोटो बना होगा मान लीजिए, ऐसा कुछ भी, और है ना, ये मान लीजिए कि चंद्रगुप्त का फोटो हो गया और इसके हाथ में ऐसे गिटार बता दिया और क्या समझ में आ गया, तो इससे ये अंदाजा लगा लिया कि हो सकता है कि समुद्रगुप्त जो है वो संगीत के प्रेमी रहे होंगे। तो याद रखना, कई बार क्वेश्चन आता है किस शासक की जो है प्रतिमा या मूर्ति वीणा बजाती हुई सिक्कों पर मिली है, तो याद रखना वो है समुद्रगुप्त। ठीक है, अगला देखते हैं, पांडुचेरी के पास में अरकमेडू से रोमन सिक्के भी हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, वीडियो रुक रही है, अरे वीडियो नहीं रुक रही होगी यार, वीडियो प्रॉपर चल रही है, वीडियो रुक रही है नहीं यार, बताना जरा वीडियो रुक रही है क्या, सभी लोग बताओ वीडियो रुक रही है, वीडियो रुक रही है, मेरे हिसाब से नहीं रुक रही यार, प्रॉपर चल रही है। ठीक है, अब देखेंगे, तो पुराने टाइम में भारत के संबंध किन किन देशों के साथ होते थे, तो देखो भारत का संबंध बर्मा के साथ होता था जिसे स्वर्ण भूमि भी कहा जाता था, और वर्तमान में जिसे म्यांमार कहा जाता है। ठीक है, जिसे वर्तमान में मिया नहीं रुक रही है ना मोनिका जी, बिल्कुल साफ चल रही है, बहुत सही है। और मलाया को स्वर्ण द्वीप भी कहा जाता था। कंबोडिया, कंबोज, जावा, यवन द्वीप के साथ भारत के पुराने टाइम पर नहीं सर नहीं रुक रही है, हाँ ठीक है, पुराने टाइम पर भारत के इन देशों के साथ व्यापारिक संबंध चलते थे। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर दूसरा, और हम यहां से डिस्कस करेंगे कल हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर सेकेंड। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से आज का लेक्चर समझ में आया होगा, अगर लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर से कर दें, और फिलहाल के लिए आज क्लास इतनी ही रखते हैं। मुझे लगता है कि आज की क्लास थोड़ी सी कम रही हमारी, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए मिलते हैं कल के लिए। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल पे जो बच्चा पहली बार जुड़ा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं कल, जो हमारा क्लास का टाइम है रात में 8 बजे, तो रहिएगा तैयार चैप्टर नंबर दूसरा ल्यूसेंट का पढ़ने के लिए। तब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे, जय हिंद जय भारत।